हाँ जी बेटा, बहुत सारे बच्चे जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि 6th 7th 8th के बच्चे सभी के सब ग्राउंड में हैं और सबके सब जो है वो मिक्स हो गए हैं। तो आपके टीचर्स कंफ्यूज कि हमने किनको कंट्रोल करना है, हमारी क्लास के बच्चे कहाँ पे है। तो फिर वो फटाफट कहते हैं 6th 7th 8th अलग अलग लाइनों में हो जाओ, है ना, ऐसा होता है ना। तो फिर एक सॉर्टिंग हो गई कि 6th क्लास की लाइन ये है, 6th 7th की ये है, 8th की ये है। फिर मैम आती है कि दो टीचर्स है 6th A और 6th B, वो कहते हैं 6th वाले इधर हो जाओ, ठीक है। फिर वो कहते हैं 6th A एंड B फिर अलग अलग हो जाओ। तो ये है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब होता है। और फिर जैसे अब क्या हो गया कि आपने, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, उसने क्या किया, उसने दाल ली और उसमें ढेर सारा नमक मिला दिया, वो तो मिक्सचर बन गया, वो तो दाल हम बना ही नहीं सकते। फिर आपकी मम्मा क्या करती है, उसको एक सीव छलनी में लेती है और उसको छानती है, दाल और नमक को अलग अलग कर देती है। दिस इज सॉर्टिंग, ठीक है। आजकल आपके सिटी में भी आई होप होता होगा कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालो, यस और नो, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने घरों में भी देखा करो कि जितना किचन का कचरा है वो अलग डस्टबिन में, सो दैट इट कैन बी डीकम्पोज। जो किचन का कचरा है उसको डीकम्पोज करके उसकी हम खाद बना सकते हैं, मेन्योर बना सकते हैं। और जो सूखा कचरा है, कागज है, प्लास्टिक है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। अगर दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो जो प्लास्टिक है वो गीले कचरे को खराब कर देता है और वो डीकम्पोज नहीं हो पाता, या जो गीला कचरा है वो प्लास्टिक पेपर को खराब कर देगा तो इसके कारण वो रिसाइकल नहीं होता। तो दिस इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हम किस लिए करते हैं, फॉर इजी लोकेशन। जब अगर आपके जैसे आपके ड्रॉअर्स हो, ठीक है, उसमें आपने पेन्स एक जगह रखी है, पेंसिल्स एक जगह रखी है, इरेजर्स एक जगह रखे है, ज्योमेट्री बॉक्स दूसरी जगह रखा है, तो उससे क्या होगा, आपको, आप कहोगे भी मुझे पेंसिल चाहिए, फटाफट से आप निकालोगे। और सबको जो मिक्स हो तो सामने पेंसिल भी नजर नहीं आती कि हाय पेंसिल कहाँ गई। तो सॉर्टिंग हम किस लिए करते हैं, सॉर्टिंग होता है चीजों को अलग अलग करना, टू लोकेट देम इजीली। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉर्टिंग, यस 6th A, यस हु विल टेल मी, एकम जीत, 6th A एकम जीत, बेटा जल्दी से माइक पर आओ, फटाफट से भाग के इसको जगा दो फटाफट से। एकम मुझे ये बताओ बेटा, व्हाई डू वी सॉर्ट सब्सटेंसेस, टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर. नहीं टू पुट थिंग्स इन, सॉर्टिंग इज टू पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर, दैट्स राइट, बट व्हाई वी पुट थिंग्स इन ऑर्डर, व्हाट इज द यू नो बेनिफिट टू अस, हमें क्या बेनिफिट होता है उनको ऑर्डर में प्लेस करने का, ताकि हम उसको जल्दी से, आप पेंसिल्स, रबर्स, इरेजर्स, ये सब अलग अलग रखते हैं, क्यों रखते हैं, ताकि हम उसको जल्दी से, सो वी कैन इजिली फाइंड इट. यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉर्टिंग, टू इजिली फाइंड देम, टू इजिली लोकेट देम, यस और नो एवरीबडी, 6th B, ठीक है, बैठो बेटा एकम जीत बैठो। 6th B की आवाज नहीं मुझे आ रही है बेटा, आपका माइक ऑन है, अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है जी। तो लेट्स सी, तो सॉर्टिंग यू नो सेपरेशन, टू कीप द थिंग्स इन ऑर्डर, टू सेपरेट वेरियस सब्सटेंसेस, दैट इज सॉर्टिंग, ठीक है। तो लेट्स सी, सो व्हाट यू कैन सी हियर दैट दीज आर, लेट अस से दीज आर बीड्स, मोती है, वो डिफरेंट कलर्स के है और वो सब यहाँ पे अनसॉर्टेड है, राइट। सो दिस इज, ये जो है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज अनसॉर्टेड, और उसके बाद बेस्ड ऑन कलर्स वी सेपरेट दीज बीड्स, दिस इज सॉर्टेड। यहां से अगर हमने येलो मोती निकालने हो तो कितना टाइम लग जाएगा, और हो सकता है हम सारे निकाल भी ना पाए, बट यहां पे हमने येलो बीड्स निकालने हैं, वी लोकेट देम इजीली एंड वी कैन फाइंड देम इजीली, इज इट ओके। अनदर, यू कैन सी दिस, कैन यू सी कि दीज आर द स्मॉल ब्लॉक्स और टॉयज विच आर अनसॉर्टेड, ये सब अनसॉर्टेड है, ठीक है, मिक्सिंग सी हुई पड़ी है, कोई
कम ज्यादा की। और यहाँ पे देखो, छोटे वाले अलग, उससे बड़े अलग, उससे बड़े अलग, तो दीज आर सॉर्टेड। तो हम इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से ये डस्टबिन्स है, ठीक है। इसमें हमने ये देखिए, ये बाहर जो कचरा पड़ा, रबिश पड़ा है, ये सब इकट्ठा सा पड़ा है, हमने इसको सॉर्ट नहीं किया हुआ। बट यहाँ पे इसमें निकाल के, इसमें जो मेटेलिक चीजें हैं इसमें डाल दी, वुडन इसमें, प्लास्टिक इसमें, देन दिस इज सॉर्टेड। इज इट ओके? सो व्हाई डू वी सॉर्ट सब्सटेंसेस? टू लोकेट देम इजीली, टू फाइंड देम इजीली, दैट्स व्हाई वी सॉर्ट डिफरेंट सब्सटेंसेस। नाउ देन वी से, हाउ कैन वी इन साइंस, हाउ कैन वी सॉर्ट डिफरेंट सब्सटेंसेस, किन प्रॉपर्टीज पे? ये तो हमने कर दिया कि यहाँ पे मेटेलिक चीजें हैं, नॉन मेटेलिक है, वुडन चीजें हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस, कि ये वुड की बनी हुई है, ये मेटल की बनी हुई है। डू यू गेट मी? तो हाउ डू वी सॉर्ट सब्सटेंसेस? तो वी सॉर्ट सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। राइट? सो हाउ डू वी, कैसे हम चीजों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं? बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, कि ये किससे बनी है, इनका कलर क्या है, ये पानी में घुलती है कि नहीं घुलती, ये पानी में फ्लोट करती है कि नहीं करती। राइट? सो व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज, हु विल टेल मी? यस, सिक्स बी, फर्स्ट स्टूडेंट टुवर्ड्स राइट, राइट साइड में जो पहला बच्चा है। हाँ जी, द बॉय, यस, खड़े हो जा बेटा। हाँ, आ जा, आगे आ जा, माइक के पास आ जा। हाँ जी बेटा, कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे हम सब्सटेंसेस को अलग अलग करते हैं? एक प्रॉपर्टी बता दो, बेस्ड ऑन कोई सी एक प्रॉपर्टी। मेरी बात ध्यान से सुनो, कि किस प्रॉपर्टी पे हम चीजों को अलग अलग कर सकते हैं? हमने बर्तन अलग कर दिया, और बेलना जो है, जो आप जिससे रोटी बेलते हो, उसको अलग कर दिया। बर्तन और बेलने में क्या फर्क है बेटा? आप बोल रहे हो तो मुझे सुन नहीं रहा, जोर से बोलो पहले, हेलो करो। हेलो मैम। हाँ, तो इसका मतलब माइक वर्किंग है, ठीक है। अब बताओ बेटा, हमने बेलने को अलग कर दिया, और हमने चकले को, लटसे, चकला जो जिसपे आप रोटी बनाते हो, उसको अलग कर दिया। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्यों अलग है? बेलना किसका बना है बेटा, मैम वुड और चकला किसका बना होता है मैक्सिमम टाइम? अच्छा चलो, बर्तन किसके बने होते हैं? मैम मेटल मेटल के बने हैं। तो यहाँ की क्या है, कि किस बेसिस पे हमने बर्तन और बेलन को अलग किया? बेस्ड ऑन द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, ठीक है। एक वुडन है, एक मेटेलिक है। तो हमने क्या कहा, कि वुडन को अलग कर दो, मेटेलिक को अलग कर दो, प्लास्टिक को अलग कर दो। यस और नो? यस। ठीक है, बैठो बेटा बैठो। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है? मटेरियल विद विच दे आर मेड ऑफ, किन किन चीजों से बने हो सकते हैं बेटा? ये बने हो सकते हैं वुड के, रबर का, पर्स अगर हम आपको कहें तो वो लेदर का बना है, कुछ चीजें मेटल्स की बनी होती है, कुछ प्लास्टिक की बनी होती है,
कुछ क्लोथ से बना है. इज इट राइट? ठीक है. तो हमारी जो किचन है बेटा, ये सब चीजें हमें मिल जाती है. रबड़ और लेदर की चीजें भी हमें वहां पे मिल जाती है, बट मेनली कौन सी है? वुड की है, मेटल्स, प्लास्टिक एंड क्लोथ. क्लोथ से हम क्या करते हैं? हम सफाई भी करते हैं, हम चीजें रैप करने के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है. तो हम किचन में, अगर हमने डिफरेंट, अगर आपने मम्मा का देखा हो तो डिफरेंट ड्रॉअर्स है जहां पे उन्होंने चीजें अलग अलग करके रखी. यस और नो? ठीक है. सेकंड, एनीबडी हु विल टेल मी? सरबजोत. सरबजोत सिक्स थे. ठीक बेटा, मुझे आपने ये बताना है कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जिसके बेसिस पे हम चीजों को अलग अलग कर सकते हैं. हाँ, सेकंड और क्या? सिर्फ यही बताएगा बेटा. सरब जो टेल मी ऑन विच अदर प्रॉपर्टी वी कैन सेपरेट द थिंग, सॉर्ट द थिंग. मैम बाय मैटर्स, बाय मैम बाय स्टेट ऑफ मैटर्स. स्टेट ऑफ मैटर. बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बाय. स्टेट ऑफ मैटर. सॉलिड्स, लिक्विड. हाँ. गैसेस हम स्टोर नहीं करते हैं, अदरवाइज गैसेस कैन ऑल्सो बी स्टेट्स ऑफ मैटर. तो तीन टाइप की है, सो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. दीज आर हार्ड एंड दीज आर सॉफ्ट. ये तो बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है जी. बट जो सॉलिड्स है, दे कैन बी हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट. कॉटन है, एक वुडन ब्लॉक है, एक कॉटन का स्पॉन्ज है. बैठो बेटा, बैठो. वेरी गुड. एक वुडन ब्लॉक है, एक कॉटन का स्पॉन्ज है ना? स्पॉन्ज आपने देखा है, राइट? आपने देखा होगा स्पॉन्ज कहाँ पे मिलता है? आपके गद्दों में भी होता है, आपके सोफे में भी स्पॉन्ज है. यस और नो? ठीक है ना. तो वो स्पॉन्ज है और एक वुडन ब्लॉक है, दोनों का साइज सेम है. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? यस, सिक्स्थ बी, कमलप्रीत. बेटा वुडन ब्लॉक, लेट अस से, आप देख रहे हो, दिस इज वुडन ब्लॉक. दोनों का साइज सेम है, दिस इज कॉटन स्पॉन्ज. बट व्हाट इज, दोनों सॉलिड्स है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू बेटा? मैम वुड हार्ड होती है और कॉटन सॉफ्ट होती है. बिल्कुल ठीक है. और हार्ड एंड सॉफ्ट, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? दिस इज हार्ड, दिस इज सॉफ्ट. अब मेरा मतलब ये है, मैं कहना क्या चाह रही हूं, हाउ कैन यू डिफाइन द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस? कैसे डिफाइन करोगे भी, ये इसको हम सॉफ्ट क्यों कह रहे हैं? व्हाई दिस इज सॉफ्ट? क्योंकि हम इसको, वुडन को क्या आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो बेटा? नहीं. नहीं. और सॉफ्ट को हम दबा सकते हैं? यस, बिल्कुल ठीक है. सॉफ्ट को, स्किन हमारी सॉफ्ट है, इसको हम दबा सकते हैं. यस, इसको हम स्क्रैच भी कर सकते हैं, ठीक है. और अगर वुडन को स्क्रैच करेंगे तो हमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, राइट? सो सॉफ्ट मटेरियल्स आर दोज, बैठो बेटा, सॉफ्ट मटेरियल्स आर दोज विच कैन बी, यस एवरीबडी, कंप्रेस्ड एंड दूसरा है स्क्रैच्ड.
सॉफ्ट मटेरियल्स। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट सब्सटेंसेस। हार्ड, ध्यान से मेरी बात सुनना, फिर मैंने पूछना भी है। हार्ड सब्सटेंसेस कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी स्क्रैच्ड इजीली। सॉफ्ट सब्सटेंसेस कैन बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मतलब उनको हम निचोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, दबा सकते हैं, एंड कैन बी यू नो स्क्रैच्ड इजीली। यस और नो? हां जी बेटा, समर, समर 6B, वेरी गुड। जल्दी से बताओ, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट सब्सटेंसेस। हार्ट कैन बी कंप्रेस्ड, हार्ड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉफ्ट कैन कंप्रेस्ड। यस, मैं लिखती हूँ, एक मिनट। सॉफ्ट जो है कैन बी कंप्रेस्ड। दूसरा बेटा, व्हाट इज दिस जो मैंने स्किन पे बताया, ऐसे ऐसे करना, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रैचिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रैचिंग। एवरीबॉडी क्या बोलते हैं? स्क्रैचिंग। तो मुझे ये बताइए कि हमारी स्किन सॉफ्ट है कि हार्ड है? सॉफ्ट है। ओनली समर विल टेल मी, राइट? सो नाउ टेल मी, सॉफ्ट सब्सटेंसेस कैन बी स्क्रैच्ड कि हार्ड सब्सटेंसेस कैन बी स्क्रैच्ड? सॉफ्ट सब्सटेंसेस, वेरी गुड। सो दीज कैन बी इजीली स्क्रैच्ड। कैन नॉट बी इजीली स्क्रैच्ड। बैठो बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट 6B, इट इज जोबन प्रीत, आई होप। आ जाओ बेटा, हां जी बेटा। अब एक तरफ मैंने, आई हैव टू जार्स, इसमें मैंने रख दी शुगर, और जो दूसरा जार है इसमें रख दी मैंने सैंड। ऑन विच प्रॉपर्टी आई हैव सेपरेटेड दिस? और एक हमारे पास, हमने ये दो चीजें ली है, और एक हमारे पास क्या है, दैट इज ग्लास ऑफ वॉटर। वॉटर की हेल्प से, ध्यान से मेरी बात सुनिए जोबन, कि वॉटर की हेल्प से हम कैसे इन दोनों को अलग अलग रख सकते हैं। दोनों सॉलिड है, शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं और सैंड के भी क्रिस्टल्स है, दोनों सॉलिड है, दोनों सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, दोनों सॉफ्ट मटेरियल्स ही आ जाते हैं, या सॉफ्ट हार्ड हम कह ही नहीं सकते इसको, क्योंकि छोटे छोटे कण है, हम कहते हैं दोनों सॉलिड्स है, बट फिर भी ये अलग अलग है। विद द हेल्प ऑफ वॉटर हाउ कैन वी सॉर्ट दीज टू सब्सटेंसेस? अगर हम, मैं दोबारा से बता रही हूं आपको, कि अगर हम सैंड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, और शुगर को पानी में डालेंगे तो क्या होगा बेटा? मैम, सैंड इज नॉट मिक्स विद वाटर एंड शुगर इज मिक्स विद वाटर। थोड़ा सा साइंटिफिक और बताओ। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, वेरी गुड। थोड़ी सी और बताओ कि मिक्सिंग नहीं हम करेंगे, कोई और वर्ड यूज करो। घोलना, घोलने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिजोल्व या सोल्यूबल, राइट? तो कौन सा सोल्यूबल है बेटा? वेरी गुड, मैम शुगर, वेरी गुड। एंड सैंड? मैम नॉट सॉल्युबल। नॉट सोल्यूबल, इट डज नॉट डिजोल्व।
सॉल्ट, मैम सॉल्युबल। सोल्यूबल, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बैठो बेटा। तो बेस्ड ऑन द सेकंड प्रॉपर्टी क्या आ जाती है बच्चे? एक हमने कहा था मटेरियल विद विच दे आर मेड अप ऑफ, दैट इज द स्टेट ऑफ मैटर, देन थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है बेटा सॉल्युबल एंड सॉल्युबल। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब बेटा अगर आप देखोगे, शुगर मिक्स करेंगे, शुगर और सैंड अगर दोनों मिक्स कर दिए इसमें, तो व्हाट विल हैपन, दैट सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम, सैंड के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, जबकि जो शुगर के पार्टिकल्स है, एज जोबन हैज टोल्ड मी दैट दे विल गेट डिजॉल्व, वो इसमें मिल जाएंगे और थोड़ी देर बाद हमें ये नजर नहीं आएंगे, ठीक है? सो द सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व डिसअपियर, वेयर एज विच डू नॉट डिजॉल्व दे सेटल डाउन इन द वॉटर। इज इट ओके? बट हम हमेशा सेटल डाउन भी नहीं कहते। चलिए अब हम आगे देखें, ये तो थे सॉलिड्स, अब आ जाइए हमारे पास, इसमें है ऑयल, इसमें है विनेगर, और इन दोनों को हमने किसमें मिक्स किया, इन वॉटर, दिस इज वॉटर। हाँ जी, क्या होगा? एनीबडी हु कैन टेल मी? यस, देयर इज सिक्स ए, सिक्स ए में से सेकेंड बेंच, सेकेंड गर्ल, मैम ऑयल विल मेक इट सेपरेट लेयर एट द टॉप, विनेगर विल मिक्स इन वाटर। वेरी गुड, वेरी गुड, बैठो बेटा, वेरी गुड। सो विनेगर, इट मिक्सेस डिजॉल्व्स इन वाटर, विल इट अपियर और डिसअपियर इन वाटर? डिसअपियर इन वाटर। वेयर एज ऑयल, ऑयल फॉर्म्स अ लेयर ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर, दिस इज ऑयल। सो ऑयल इट इज, हम इसको बोलते हैं इमिसिबल, मिक्सिंग से बना दिया मिसिबल, ठीक है? इमिसिबल, इमिसिबल का क्या मतलब है? डज नॉट डिजॉल्व इन वॉटर, फॉर्म्स ए लेयर अबव वॉटर, ठीक है? सो दिस इज ऑयल इज नॉट मिक्स, ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वॉटर, वेयर एज विनेगर गेट्स डिजॉल्व इन वॉटर। वट अबाउट लेमन जूस? इज इट सॉल्यूबल इन वॉटर और नॉट? सिक्स्थ बी, यस, देर इज वन स्टूडेंट कॉर्नर में, जो लड़का है, आ जाओ आगे, भाग कराओ। मैम सॉल्युबल। सॉल्यूबल इन वॉटर, वेरी गुड, वेरी गुड, बैठो बेटा। सो
हमने क्या क्या चीजें कही, दैट इज मटेरियल विद विच दे आर मेड अप ऑफ, स्टेट ऑफ मैटर, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस, इन वॉटर हम बात कर रहे हैं। और फिर है बेस्ड ऑन डेंसिटी। डेंसिटी वैसे एक अलग चीज है, बट यहां पे सिर्फ मैं आपको कह सकती हूँ वेट। जो चीजें पानी से भारी हो वो क्या करेंगी, सिंक कर जाएंगी कि फ्लोट करेंगी, सिंक सिंक कर जाएंगी। और जो पानी से हल्की हो, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, द सब्सटेंसेस हैविंग लेस डेंसिटी फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर एंड विच हैव मोर डेंसिटी सिंक्स इन वाटर। एम आई राइट? चलिए जी असाइनमेंट निकालें, हम इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं। चलिए 5 मिनट्स में आपको दे रही हूं, फटाफट से ये कीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, आइडेंटिफाई ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट ओपेक, ये हमने अभी किया नहीं, डू यू नो दैट? ठीक है, चलिए ये आप कीजिए। तो डू इट, इसके ऊपर लिख, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है इसके ऊपर लिख लो फटाफट से। दिस इज मिरर, है ना, इसमें मैंने पीछे फिंगर रख दी है, क्या आप देख पा रहे हो फिंगर, क्योंकि इसके पीछे क्या है, ब्लैक पेंट किया हुआ है, राइट? तो इसमें आप ये वाली आगे से तो फिंगर देख सकते हो, इसकी रिफ्लेक्शन देख सकते हो, बट पीछे अगर मैंने फिंगर रखी है तो वो नहीं नजर आती। सो मिरर इज ओपेक। ओके जशन, सिक्स थे, बेटा स्टेनलेस स्टील प्लेट क्या है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलू ध्यान से, स्टेनलेस स्टील प्लेट, स्टील प्लेट के आप उस तरफ देख सकते हो, नो तो फिर वो क्या हुई, ओपेक हुई, ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट, क्या हुई, ओपे ओपेक हुई बेटा, कोई और नहीं बोलेगा बेटा, यही स्टूडेंट्स बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है बेटा, ओपेक हुई, हम अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं उसमें, बट दूसरी तरफ की चीज तो नहीं ना देख सकते। ओके बैठो बेटा। राजदीप, सिक्स्थ है, ग्लास टम्बलर, दिस इज ग्लास टम्बलर, इसके अंदर की चीजें इधर की चीजें देख पा रहे हो कि नहीं, ट्रांसपेरेंट तो व्हाट इज दिस, ट्रांसपेरेंट की ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, वेरी गुड, सो ग्लास टम्बलर इज ट्रांसपेरेंट, वेरी गुड, बैठो बेटा। करमपाल, सिक्स्थ बी, करमपाल इज देयर, बताओ बेटा। नेक्स्ट इज पेपर स्टेन्ड विद ऑयल, एबसेंट है करमपाल, कार्तिक आ जाओ बेटा। हाँ जी यहीं से बोलो, पेपर स्टेन्ड विद ऑयल, उसमें पेपर तो देखो ये पेपर है, इसमें नहीं दिखता, बट अगर इस पे थोड़ा सा ऑयल गेर दिया जाए तो हमें थोड़ा थोड़ा सा दूसरा नजर, थोड़ा सा, तो क्या होगा ये, ट्रांसपेरेंट के ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांस, जोर से बोल, ट्रांसल्यूसेंट, जोर से बोला करो जैसे ग्राउंड में बोलते हो, ठीक है, बैठो बेटा। सो पेपर स्टेन्ड विद ऑयल इज ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट इज मयंक, ग्लास स्पेक्टिकल्स, मयंक यहीं से ही बोलो, हां जी है मयंक, मैम मयंक इज एब्सेंट, मैम इज एब्सेंट टुडे, ओहो। नेक्स्ट इज प्राची, परमवीर, मैम शी इज आल्सो एब्सेंट टुडे, परमवीर प्लीज कम, यही सही बोल दो बेटा, मैम मुझे बता देगी। ग्लास स्पेक्टिकल्स, ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट की ओपेक, वेरी गुड, ट्रांसपेरेंट, बैठो बेटा परमवीर।
प्राची इज नॉट देयर, देन मैम देयर इज सहजवीर। प्लीज यस सहजवीर बेटा नेक्स्ट बताइए। मसलिन क्लॉथ दिखाया था मैंने, ट्रांसलूसेंट ट्रांसल्यूसेंट। वेरी गुड बेटा। देन तरनदीप, फ्रंट ग्लास ऑफ द कार। फ्रंट ग्लास ऑफ द कार फ्रंट ट्रांसलूसेंट ग्लास ऑफ द कार बेटा मैंने आपको दिखाया भी था। चलो लेट मी शो यू, अगर मैं दोबारा दिखा सकूं, ये देखिए ये फ्रंट ग्लास है, ये क्या है? इज इट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट की ओपेक, क्या जो उसके पीछे की चीजें हम देख सकते हैं? जोर से बताओ। ना तो क्या इसको क्या बोलेंगे? ये है लेटर से, ये है, ये क्या है? ये दिस इज द फ्रंट मिरर ऑफ द कार। ये क्या है, ओपेक है कि ट्रांसपेरेंट है? ओपे ओपेक। वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। टू द नेक्स्ट वन सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कीजिए। बॉल नहीं है, प्लास्टिक बॉल। सारे बोलो बेटा। सिक्स्थ बी, इट विल फ्लोट। आयरन नेल, सिक्स थे, नीचे की ऊपर, नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। इट विल सिंक। ऑयल ड्रॉप, ऊपर के नीचे, ऊपर। इट विल फ्लोट। रबड़ बैंड, फ्लोट और सिंक? फ्लोट फ्लोट। इट विल ऑल्सो फ्लोट। कॉइन, सिंक कि फ्लोट? इट विल सिंक, है ना। हम कई बार रिलीजियस सेंटिमेंट से हम क्या करते हैं, हम कॉइन्स को पानी में डाल देते हैं। एंड डू यू नो बेटा कि ये अब तो हमने धार्मिक सा बना लिया ना कि इस नदी में डालो, पता नहीं हमें क्या पुण्य कर्म मिलेंगे। दिस इज नॉट इन इंडिया, दिस इज ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना। वी वेंट टू यू नो यूरोप, तो वहां पे हमने स्पेन में देखा कि वहां भी लोग नदियों में पानी कॉइन्स डालते थे। तो बेटा ये क्यों डाला करते थे? लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये पुराने टाइम में क्या होता था कि ये जो कॉइन्स होते थे ना बेटा, ये डिफरेंट मेटल्स के बने होते थे, ठीक है। और मेटल्स ये क्या करती है, ये पानी को प्योरीफाई करती है। ब्रास, जैसे आपको पता है ना, हम कहते हैं ब्रास के पानी में वो घड़े में पानी डाल के पियो, तो ये पानी को शुद्ध करेंगी, प्योरीफाई करेंगी। तो पहले ये माना जाता था, और ये साइंटिफिक रीजन था कि कॉइन्स वो नदियों में डालो तो इट विल प्योरीफाई, क्योंकि वो बहुत सारी गंदगी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फिर धीरे धीरे इसको रिलीजियस, और फिर हमने एक वहम बना के ये करना शुरू कर दिया। अदरवाइज इट हैज साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। देन आइडेंटिफाई लस्ट्रस। हु कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय लस्ट्रस? लस्ट्रस का क्या मतलब है हिंदी में, पंजाबी में? कौन बताएगा, जरा हाथ खड़ा करो। डू यू नो सिक्स ए, सिक्स No. बी? आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही है। सिक्स बी, यस और नो? हाँ अब आ रही है। तो बेटा लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। लिख लो अपने एक वर्कशीट में, लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग। लस्ट्रस मीन्स विच शाइन, एंड नॉन लस्ट्रस मीन्स क्वेश्चन डू नॉट शाइन। मेटल्स, ग्लास, दे शाइन। वुड, रबर डू नॉट शाइन। बट रिमेंबर दैट, आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी सिल्वर का डाला है, कोई कड़ा डाल लिया, कोई चेन डाल ली, कुछ डाल लिया, अपनी मम्मा से पूछना, थोड़े दिनों बाद ना
हरी हरी सी होनी शुरू हो जाती है। आयरन है ना, आयरन पे अगर पेंट ना करें तो वो थोड़े टाइम बाद ब्राउन सा होना शुरू हो जाता है। व्हाई? बिकॉज दे अंडरगो रस्टिंग, सो मेटल्स दे कैन लूज देयर शाइन। जो मेटल्स है होती तो लस्ट्रस है, बट मेटल्स कैन लूज देयर शाइन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब हवा में जाती है मेटल्स बहुत देर तक, आपके घरों में जो ग्रिल्स है या गेट है ना, हम क्या करते हैं उसको पेंट कर देते हैं, ब्लैक सिल्वर गोल्डन हम पेंट करते हैं। क्यों? एक तो कि ताकि वो सुंदर लगे, और दूसरा उसको रस्टिंग से बचाएं, क्योंकि मेटल्स रस्ट करेंगी जब वो एयर के कांटेक्ट में आएंगी। बट हम क्या करते हैं, हम उसको पेंट कर देते हैं, तो जब पेंट कर देंगे उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी, और जब एक कवरिंग आ जाएगी तो मेटल्स को ऑक्सीजन इफेक्ट नहीं कर सकती। जैसे हमें, अगर हम कपड़े ना डालें तो ठंड से या गर्मी से हमारी स्किन खराब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं सर्दियों में, क्या करते हैं मोटे कपड़े डाल लेते हैं ताकि ठंड हमें ना लगे, ठंड से हमारी स्किन खराब ना हो, हमारी स्किन डायरेक्ट एक्सपोजर में ना आए, राइट? इसी तरह से गर्मियों में हम क्या करते हैं, आजकल आपने देखा होगा, वैसे तो होना नहीं चाहिए बट बहुत सारे लोग क्या है, ताकि हमारी स्किन काली ना हो जाए तो इसको ढक के रखो, स्कूटर पे भी जाते हैं तो वो सब पूरा मुंह ढक के रखते हैं ताकि हम काले ना हो जाएं या सन का इफेक्ट हमारी स्किन को ना पड़े, तो हम कवर कर लेते हैं। इसी तरह मेटल्स को अगर हम पेंट से कवर कर देते हैं तो उसपे एयर का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो अपनी शाइन वो लूज नहीं करते, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज रस्टिंग। व्हेन द मेटल्स लूज देयर शाइन व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग, एंड बाय कवरिंग द मेटल्स विद पेंट रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। आपकी क्लास का खत्म भी हो रही है, लेट्स फर्स्ट डू क्वेश्चन नंबर 3। गोल्ड लस्ट्रस की नॉन लस्ट्रस? सिक्स थे लस्ट्रस, सिक्स बी एल्युमिनियम, लस्ट्रस की नॉन लस्ट्रस? लस्ट्रस है बेटा, एल्युमिनियम इज ऑल्सो ए मेटल सो इट इज लस्ट्रस। लिखते चलो सारे, मुझे दिखना चाहिए लिख रहे हो, एल एल लिखते चलो, लस्ट्रस है तो एल है। सिल्वर सिक्स ए, लस्ट्रस सिक्स बी वुड, नॉन लस्ट्रस एन एल लिख लेना है। डायमंड सिक्स ए, लस्ट्रस कितना चमकता है। पेंसिल लेड, जो पेंसिल जिससे हम लिखते हैं, सिक्स बी इट इज नॉन लस्ट्रस। देन प्लास्टिक टिफन, सिक्स ए नॉन लस्ट्रस, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज अबाउट, बाकी की बेटा आप असाइनमेंट करना, वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम, राइट? ठीक है, अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर आपका, ये चैप्टर स्कूल में खत्म हो गया बच्चों, और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस आपने शुरू कर दिया, ठीक है? तो पहला, अब मैं कह रही हूँ टीचर्स ने जो है आपको बता भी देना है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड का टेस्ट होगा, राइट? दिस वीक कभी भी हो सकता है, योर मैम विल टेल, तो उसको अच्छी तरह से समझ के पढ़कर आना है। इज इट ओके? ओके ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू टीचर्स।